नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है। मामला आगे बढ़ गया है और बीएसईबी यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को परीक्षा का जिम्मा सौंप दिया गया है और कुछ दिनों में यानी कुछ महीनों के अंदर सक्षमता परीक्षा ली जाएगी, ये भी चर्चा है। इस बीच नियोजित शिक्षक जो है वो फेरे में फंस गए हैं और लगभग 30,000 से ज्यादा ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो फेरे में फंस गए हैं कि राज्यकर्मी बनने के पहले अगर उनका मामला सुलझाया नहीं गया तो आगे मुश्किल बढ़ जाएगी। नमस्कार, किसी से न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई है। सूबे के लगभग 4,00,000 नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है क्योंकि सक्षमता परीक्षा लेने के बाद उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा लेगी, शिक्षकों को 3 मौके दिए जाएंगे। तो ये तमाम बातें स्पष्ट हो चुकी हैं और परीक्षा भी माना यह जा रहा है कि कुछ महीनों के अंदर ली जा सकती है। तो ऐसे में राज्यकर्मी बनने के लिए उत्सुक हैं नियोजित शिक्षक, लेकिन 30,000 से ज्यादा ऐसे शिक्षक हैं जो परेशान हैं कि आखिर राज्यकर्मी बनने के बाद क्या होगा, क्या है आखिर मामला। हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल मामला वेतन विसंगति का है। जी हाँ, और राज्य के करीब 30,000 से ज्यादा जो शिक्षक हैं नियोजित शिक्षक वेतन विसंगति के इस पेच में फंसे हुए हैं। इसमें प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक शामिल हैं और वेतन विसंगति जो है इसे दूर करने के लिए विभाग की तरफ से पहल की गई थी और लगभग 1 साल पहले कमेटी बनाई गई थी, लेकिन वेतन विसंगति को दूर नहीं किया जा सका है और उनके सुझावों पर जो कमेटी बनी थी उसके सुझावों पर अमल नहीं किया गया है जा सका है। तो ऐसे में जो लगभग 4,00,000 नियोजित शिक्षक हैं जिनमें 30,000 से ज्यादा शिक्षकों का मामला फंसा है, उनका क्या होगा, बड़ा सवाल है। क्योंकि अब सरकार सक्षमता परीक्षा लेकर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही है, लेकिन उसके पहले अगर वेतन विसंगति दूर नहीं की गई तो मामला उलझ जाएगा और वेतन विसंगति से जो नियोजित शिक्षक है वो प्रभावित होंगे, उनका वेतन प्रभावित होगा। अब हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजह क्या है इसके पीछे। तो 2021 में शिक्षा विभाग ने 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी के बाद उसके निर्धारण के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया था। तब पे कैलकुलेटर से वेतन निर्धारण में सभी 38 जिलों से विसंगतियां थी और लगभग ये 50,000 से ज्यादा शिकायतें मिली थी और ये मामला बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भी उठाया गया था और उसके बाद कई विधायकों और विधान पार्षदों ने पे कैलकुलेटर के आधार पर वेतन निर्धारण में विसंगतियों का मुद्दा जोर शोर से विधानसभा और विधान परिषद में तब उठाया था और सरकार ने वेतन विसंगति में सुधार के लिए 5 अधिकारियों की कमेटी बनाई थी और तत्काल इसे दूर करने की बात कही गई थी। लेकिन कमेटी बनी, कमेटी ने अपनी सिफारिशें की, लेकिन वो लागू नहीं हो सके। अब वजह क्या है, इसके वजह से दिक्कत क्या होगी, ये थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं। 5200 के पे स्केल में नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन और 5200 के स्केल में राज्यकर्मी का मूल वेतन के स्केल में अंतर ही विसंगति है। 2000 ग्रेड वाले राज्यकर्मी का वेतन ढांचा 21,700 से शुरू होता है, जबकि नियोजित शिक्षकों का जो स्केल दिया गया है उसमें वेतन स्केल 21,290 से शुरू होता है और यहीं पर जो विसंगति है साफ नजर आ रही है। 21,700 जो राज्यकर्मी का वेतन ढांचा है और नियोजित शिक्षकों को जो स्केल दिया गया है वो 21,290 का है। तो ऐसे में यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक बेसिक नियोजित शिक्षकों का ग्रेड पे 2000 है और राज्यकर्मी के भी ग्रेड पे 2000 है। फिर वेतन अंतर अगर देखेंगे तो राज्यकर्मी का वेतन स्केल 21,700 से शुरू होता है और कक्षा 1 से 5 तक के नियोजित शिक्षकों का वेतन स्केल जो है 21,290 से शुरू होता है। और ये विसंगति है, बड़ी विसंगति है, इसमें वेतन स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ेगा और इसे लेकर अब जो है संशय की स्थिति बनी हुई है। लगभग 30,000 से ज्यादा नियोजित शिक्षक हैं जिनका मामला फंसा हुआ है और आपको बताएं कि जो वेतन विसंगति माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन में भी है। शिक्षा विभाग ने इस पर जो सुझाव दिए थे, जो कमेटी ने, उस पर फिलहाल अभी तक अमल नहीं किया गया है और राज्यकर्मी बनने के बाद इस विसंगति से कैसे निपटेगी सरकार, शिक्षकों को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई
कौन करेगा। ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही है सरकार, लेकिन 30,000 से ज्यादा नियोजित शिक्षकों की वेतन विसंगति को अभी तक दूर नहीं किया जा सका है। तो इसके लिए पहल करना होगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।